हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास सेकंड सिल्वर ओलंपियाड के साइंस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर एंड सिलेबस लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर के क्लास सेकंड के मॉडल पेपर एंड सिलेबस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप ओलंपियाड एग्जाम के सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं या किस प्रकार के सैम्पल पेपर आते हैं और अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए आज का स्टार्ट करती हूँ क्लास सेकंड साइंस सिलेबस। इसमें यूनिट हो जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं और सभी क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स के रहते हैं, यानी टोटल 4 मार्क्स हो जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम 2 चैप्टर्स रहते हैं, जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल मार्क्स 12 के हो जाते हैं। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में आपका आ जाता है एयर, वाटर एंड वेदर, आवर इन्वायरमेंट, आवर सराउंडिंग एंड सेफ्टी रूल्स। ये चारों चैप्टर्स आपके आवर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, जिससे इस ओलंपियाड में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 8 रहते हैं और पर क्वेश्चन मार्क्स 2 रहते हैं, तो टोटल मार्क्स 4 के हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स से 2 क्वेश्चंस रहते हैं और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसी प्रकार फूड एंड क्लॉथ में आ जाता है फूड वी ईट एंड क्लॉथ वी वियर, 3 क्वेश्चंस रहते हैं और मार्क्स 2 रहते हैं, तो टोटल क्वेश्चंस 6 मार्क्स के यहाँ पर हो जाते हैं। उसी प्रकार आवर बॉडी से हमारे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में 3 क्वेश्चंस रहते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो टोटल 6 हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि साइंस ओलंपियाड में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 के रहते हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्कॉलर जॉन से 10 क्वेश्चन होते हैं। स्कॉलर जॉन जो अचीवर सेक्शन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो सिलेबस से ही रिलेटेड होते हैं लेकिन हाई थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें पर क्वेश्चन 3.5 मार्क्स रहते हैं और टोटल नंबर 35 हो जाते हैं। इस प्रकार टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं। तो ये आपको सिलेबस का एक रफ आइडिया मिल गया। चलिए अब इससे रिलेटेड सैंपल पेपर हम देख लेते हैं। सैंपल पेपर्स अब हम जीके क्वेश्चंस देखेंगे। जीके क्वेश्चंस के ये पेपर है आपके। चलिए इसको मैं थोड़ी सी जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड फॉर एनिमल गिवन इन द पिक्चर्स बिलो। ये जो एनिमल्स दिख रहा है, ये इस एनिमल के लिए कौन सा फूड रहेगा? पहला है फ्लेश, बी फ्रूट्स, सी वेजिटेबल्स एंड डी राइस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, ये हमारा क्या है आप लोग बताएं, टाइगर या लॉयन, क्या है आप लोग देखकर बताएंगे। इनके लिए हमारा है आंसर ऑप्शन ए, फ्लेश फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्यू मदर ओवर कुक्ड द फूड एट होम, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ओवर कुकिंग ऑफ फूड। स्ट्यू की मदर जो है फूड को ओवर कुक कर देती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, बी लॉस ऑफ सॉल्ट, सी लॉस ऑफ स्पाइसेस या डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। जब ओवर कुक हम कर देते हैं तो इनकी न्यूट्रिशन जो है लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, लॉस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is a rock? Which of the following is a rock? तो ये आंसर हो गया, ये एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following rock? A slate, B sandstone, C granite या D all of these. Correct answer हो जाता है इसका option D, all of these. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द पिक्चर ऑफ सिल्क वर्म सोन इन विलो।
इसमें से कौन से ऑप्शंस जो है इसके पिक्चर्स में सिल्क वॉर्म ऑप्शंस इसके आंसर्स होंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट फॉर द पिक्चर ऑफ सिल्क वॉर्म सोन बिलो. इस पिक्चर्स में जो सिल्क वॉर्म दिया गया इससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं. तो चलिए हम पढ़ लेते हैं. पहला है हमारा इट विल ग्रो टू बिकम एन इंसर्ट, बी इट विल ग्रो टू बिकम अ स्नेक, सी इट विल ग्रो टू बिकम अ बर्ड, या डी इट विल ग्रो टू बिकम अ फिश. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इट विल ग्रो एन इंसेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. लेग मसल्स इन सोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट गिवन यूज फिगर. लेग मसल्स इज सोन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट फॉर द गिवन फिगर. इस फिगर के अकॉर्डिंग ये कौन से ऑप्शन इन करेक्ट हैं. मसल्स आर कवर्ड विथ बोन्स, मसल्स बोन से कवर रहता है. टू देयर आर अराउंड 60 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में लगभग 60 मसल्स होते हैं. एंड थ्री बोन्स आर कवर्ड विथ मसल्स, बोन्स जो है मसल से कवर होता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ए इज रॉन्ग आंसर. मसल्स आर कवर्ड बर्थ बोन, मसल्स जो है बोन से कवर नहीं रहता है जबकि बोन्स जो है मसल से कवर रहते हैं. तो दिस इज इनकरेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6. आवर बॉडी हैज मसल्स देन 60 मसल्स. सॉरी इसमें ये दोनों क्वेश्चंस को ऐड करके बनाया गया है. तो 1 and 4 1 and 2 आर द इनकरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर इज हो गया यहाँ पर ऑप्शंस ए 1 and 2. चलिए इसको हम ऑप्शन वापस देख लेते हैं. 1 and 2 इज द इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएगा आपका 1 and 2, दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं. 1 and 2 दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं. तो इस आधार पर हमारा ऑप्शंस ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें हमें बताना है. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. इसमें से हमें फाइंड करना है कि वाइल्ड एनिमल कौन सा है. वाइल्ड एनिमल कौन कौन से है ये हम देख रहे हैं. दिस इज अ गॉट, काउ, एलिफेंट, ऑल ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एलिफेंट इज द वाइल्ड एनिमल जबकि ए गॉट एंड काउ इज द डोमेस्टिक एनिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द बेस्ट एक्सप्लेन इन द पिक्चर गिवन बिलो. ये इमेज कौन से प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है. ए फ्रीजिंग, बी मेल्टिंग, सी इवोपोशन, एंटी फोटोसिंथेसिस. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इवोपोशन को ये इमेज कवर कर रहा है, ये इमेज हमें बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ए स्टेटमेंट 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. एंड स्टेटमेंट 2, ओनली लिविंग थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, एंड डी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इन करेक्ट. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन ओनली सीड्स.
मॉस्टर्ड इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ सीड के रूप में हमारे पास प्राप्त होता है? मस्टर्ड, शुगर केन, राइस, कैरोट, ब्रोकोली, बी जिंजर राइस, वेट कॉर्न कैबेज, सी वेट राइस, ओट कॉर्न बीज, एंड डी वेट कैबेज, रेडिश कॉर्न, बार्ली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेट राइस, ओट कॉर्न एंड बीज। क्वेश्चन नंबर 10। Consider the following statement, hurry. Our brains help us to think. हमारा brain जो है सोचने में मदद करता है। Gary, brain is the part of nervous system. Brain nervous system का एक part है। Lenny, Larry, spinal cord is also part of skeleton system. Spinal cord skeleton part का एक part है। Who is the correct? कौन correct बोल रहा है? Hurry and Larry. ग्रैमी एंड लैरी, हरी एंड ग्रैमी, एंड डी हरी लैरी एंड ग्रैमी, तीनों करेक्ट बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हरी एंड ग्रैमी, ये सही बोल रहे हैं। अब ब्रेन अस टू थिंक एंड ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये थे आपके सिल्वर साइंस ओलंपियाड के क्लास सेकेंड के क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको यह पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी में आप जीके के क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगी, जिसे आप देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।